अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टेंट क्लासिक कुकिंग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत विदाउट स्मोक। ऊद स्मोक शरबत की रेसिपी तो सबको ही पता है, पर आज हम रबड़ी शरबत बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध, 3/4 कप मिल्क पाउडर, 1 कप शक्कर, 2 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरी एसेंस, 1/4 कप काजू और बादाम, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून बेसिल सीड्स। यहाँ मैंने 1/2 लीटर दूध को एक बॉईल आने तक अच्छे से पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप शक्कर। आप शक्कर की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स इसको पकाया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये थिक हो चुका है। चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी में ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया था। देखें, यहाँ दूध पककर अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमें रबड़ी की। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस। आप इसकी जगह वेनिला एसेंस या केवरा वाटर या रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद है। देखिए, यहाँ हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। मैंने इसको 2 घंटे फ्रिज में रखे थे और ये इस तरह से थिक हो चुकी है। अब हम इसको 1 लीटर दूध में ऐड कर लेंगे। मैंने इस दूध को भी अच्छे से फ्रिज में रखा था, ये भी चिल्ड दूध है, और इसके अंदर हम बेसिल सीड्स को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे, बादाम और पिस्ता। यहाँ हमारा मुहर्रम स्पेशल रबड़ी शरबत रेडी है, तो चलिए अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही लजीज और हेल्थी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।